गोरसवे चत हरि मिले एक पंथ दो काज। बोली गाय गोपाल भगवान की जय। सुरभि गोदावरी गो माता की जय। निर्मल मन जन सोमोहि पावा। निर्मल मन जन सोमोहि पावा। मोहि कपट चल छिद्र न भावा। मोहि कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल मन निर्मल मन। परम भागवत श्रोताओं, नित्य की भांति आप और हम आज तीसवें दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व के प्रसंग गतांक से आगे हम आगे बढ़ें। आपको जैसा ज्ञाति है, वैदिक श्रीमद्भागवत बोध कथा सुरभि गोदावरी गौशाला से अनावरत निरंतर आप लोगों को सुनाई जा रही है। कथा का एकमात्र उद्देश्य है मानव मात्र को जागृत करना, सामाजिक पारिवारिक और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाना। आज हमारे समाज के अंदर ना सामाजिक ज्ञान है, ना व्यवहारिक ज्ञान है, ना पारिवारिक ज्ञान है। परिवार क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, समाज क्या होता है, इन तीन बातों से हर व्यक्ति विलग होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम वैदिक श्रीमद् भागवत बोध कथा को श्रवण नहीं करते हैं। मेरा उद्देश्य आपकी सामाजिक उन्नति है, मेरा उद्देश्य आपके व्यापारिक व्यवहारिक उन्नति है, मेरा उद्देश्य आपके जीवन में पारिवारिक उन्नति हो। जब तक हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो परिवार अच्छा नहीं होगा, और परिवार अच्छा नहीं होगा तो समाज भी हमारा अच्छा नहीं होगा। हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि हमें व्यवहार अपनों के साथ, जो व्यवहार आपको या हमको अच्छा नहीं लगता है, वह व्यवहार सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। हम किसी की बुराई करते हैं और कोई हमारी बुराई करता है, ध्यान देना। आपकी बुराई कोई करता है और आप किसी की बुराई करते हैं। जब आपको पता लगता है कि मेरी अमुक व्यक्ति बुराई कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगता। पर कभी आपने सोचा है जब आप एक व्यक्ति की बुराई करते हो तो क्या उसे अच्छा लगता होगा? नहीं, ना हम बुरा सोचें, ना बुरा देखें, ना बुरा बोलें और ना बुरा करें। वो राज देखन मैं चला, वो रान मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। महान भाव श्रोताओ, संसार में हमसे बुरा कोई नहीं है, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। संसार में अगर बुरे हैं तो वो हम हैं, और कोई भला है तो सामने वाला है। हम किसी की ओर, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, हम किसी की ओर एक उंगली करते हैं, अरे वो दुनिया वालों तीन उंगली हमारी ओर हो जाती है। अर्थात इसका यह प्रैक्टिकली प्रमाण है, सामने वाले में एक गलती है तो हम में तीन गलतियां देखो कितनी है। कोई एक ऐसे करता है क्या अपने आप, मैं तुझे देख लूंगा तो एक हुआ ना, पर वो कह रहा है तुझे तीन देख लेंगे। तेरे अंदर अगर एक कमी है तो मेरे अंदर तीन कमी है। याद रखो दुनिया वालों, हमें व्यवहार अपने साथ अपनों के साथ कैसा रखना चाहिए।
परिवार में संबंध हमारे कैसे होने चाहिए, समाज में संबंध हमारे कैसे होने चाहिए, इन तीन बातों का विचार हर नागरिक को रखना चाहिए और उसी भाव को लेकर के वैदिक श्रीमद् भागवत बोधगता आप सबके सामने है। जैसा हम कल बता रहे थे, कोई भी कथाकार है, यजमान है, चाहे श्रोता है, उनके लक्षण कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा हो, उनका दिनचर्या कैसा हो, उनका खान पान कैसा हो, उनकी पूजा पद्धति कैसी हो और अनुष्ठान कैसा हो। यहाँ फिर लिखा है कि आपने हवन किया, विष्णु सहस्त्र नाम किया, गीता पाठ किया, परंतु कहा है द्वादश ब्राह्मणान पश्चाद भोजयेन मधुपायस ही दद्यात सुवर्ण धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतवे। अनुष्ठान व्रत के कथा के पूर्णत्व के लिए यहाँ 12 ब्राह्मणों का यह निश्चित नहीं है कि अंत्येष्टि के बाद ही 12 ब्राह्मण किए जाए, 12 ब्राह्मण कथा के बाद भी होते हैं, ठीक है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु उत्तम उत्तम पदार्थ तथा व्रत की पूर्ति के लिए सुवर्ण का दान करना। यहाँ लिखा है बिना ब्राह्मण के भोजन के, जैसे बिना गाय की रोटी के हमारा घर का भोजन शुद्ध नहीं होता, उसी तरह बिना ब्राह्मण को खिलाए हमारा यज्ञ व्रत अनुष्ठान उद्यापन यज्ञादि कार्य सफल नहीं होता। जैसे घर के अन्न को शुद्ध करने के लिए नित्य गाय को रोटी खिलाना जरूरी है, उसी तरह उत्तम से उत्तम कार्यों को सफल करने के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना। एक सज्जन मुझे कह रहे थे कोई जरूरी थोड़ी है कि ब्राह्मण ही भागवत करें, और भी कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, तो फिर तो 12 ब्राह्मणों में भी और भी जिम सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी है कि ब्राह्मणों को जिमाया जाए। बोले नहीं, वहां तो पंडित ही चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कोई दिवंगत हो गया है, दिव्यात्मा के कल्याण के लिए ब्राह्मण भोज जरूरी है, उसी तरह ओ दुनिया वालों, उसका फल प्राप्त नहीं होता, उसी तरह सभी कार्यों की सफलता के लिए ब्राह्मण का भोजन, ब्राह्मण का पूजन, ब्राह्मण का दान बहुत जरूरी है। भोजनोपरांत किसी भी यज्ञ अनुष्ठान के साफल्यता के लिए हर व्यक्ति को यथा श्रद्धा, यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य स्वर्ण दान जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। अब बताओ कितने लोगों ने स्वर्ण दान किया होगा। बोले महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, बड़ी महंगाई है, कहाँ से आएगा सोना। अरे भैया, जब संसार में सब कुछ आ सकता है तो यह भी आ सकता है। आप देने का भाव बनाओ, लेना लेने का भाव बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। परंतु मैं एक बात आपको बता दूं, लेने का भाव बहुत बड़ा, देना आसान होता है पर लेना बड़ा कठिन कार्य होता है। देने वाला ऋण होता है और लेने वाला ऋणी होता है। खिलाना कोई बड़ा काम नहीं है, जब खिलाता है तो सिर उठा के खिलाता है, पर खाने वाला हमेशा सिर झुका करके खाता है। बोलो कौन काम बड़ा है। लेना बहुत बड़ा काम है और देना बड़ा आसान काम है, पर यह उल्टा होता है। देने वाला सोचता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं भैया, लेने वाला सोचता है अरे तूने उसे ठग लिया। मैं सभी को कहा करता हूँ, जीवन में दान उतना ही लेना जितना तुम पचा सकते हो, भोजन उतना ही खाना जिससे पचा सकते हो। हम खा तो 2.5 किलो लेते हैं और डाइजेस्ट नहीं होता है 500 ग्राम भी, तो काम नहीं चलेगा। भोजन ज्यादा खाना जरूरी नहीं है, भोजन को पचाना जरूरी है। उसी तरह दान लेना जरूरी नहीं है, दान को पचाना जरूरी है। मैं बार बार आप सबको एक ही बात कह रहा हूँ, भागवत के विधान को जब तक आप ना सुने, ना पढ़े, ना जाने, तब तक भागवत कथा भी ना सुने और ना करावे और ना करें।
मेरी बात मानता हूँ, शायद आपकी समझ से परे होंगे, पर निश्चित जब तक किसी औषधि का लाभ और हानि साइड इफेक्ट ना समझ लो तब तक उस औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। आज तो वही हो रहा है। अरे और नहीं, वो सरकार वाला हार है, सरकारी तेल बट रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था, बोले क्या बट रहा है, बोले तेल बट रहा है, बोले हमें भी दे दो, बोले कुछ कहनी कट्टी तो लिया, उसने पिछोरा कर दिया, बोले ये क्या है, इसमें गिर जाएगा, बोले ये मुझे पता है गिर जाएगा, पर मेरा पिछोरा तो, मेरी चादर तो गीली हो जाएगी ना, सारा तेल बह जाए। आज वही हाल हम सब का है, भले नुकसान किसी का हो जाए इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी चादर गीली होनी चाहिए। विधान को जाने फिर काम करें। लिखा है सक्तौ पलत्रयमिति स्वर्ण सिंगम विधाय च तत्रास्य पुस्तकम स्थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम। फिर लिखा है सामर्थ्य हो तो तीन तोले के सोने का सिंहासन। सामर्थ्य हो तो, जो जिनके लिए सामर्थ्य है उनके लिए कहा जा रहा है भैया, सामर्थ्य हो तो तीन तोले का सोने का सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसको आवाहनाद विविध उपचारों से पूजा करें, फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि पूजन करके दक्षिणा सहित अर्पित करें। वस्त्र भूषण गंधादि पूजता यतात्मने। आओ अब आप सोचेंगे भैया तीन तोला सोना तो 1.5 लाख रुपए का आएगा। अरे भैया मैंने आपको अभी पुनः कहा सामर्थ्यवान के लिए दान लिखा है, जो सामर्थ्यवान नहीं उसको दान की आवश्यकता नहीं, उसे तो नाम जप करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। जो सामर्थ्यवान है, चाहे श्रोता है, चाहे कराने वाला है, चाहे जजमान है, उन सबको देना चाहिए। और किसको देना चाहिए, दान के संदर्भ में चर्चा है, दान किसे करें, जैसे अमृत का दान स्वर्ण पात्र में ही लेना चाहिए, स्वर्ण पात्र में देना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में नहीं लेना चाहिए। उसी तरह दान हमें उस व्यक्ति को देना है जो उस दान के महत्व को समझता है, पात्र को, कुपात्र को कभी हमें दान नहीं देना चाहिए। गाय की रोटी, पहली रोटी किसको खिलानी चाहिए, उत्तर होगा गाय को। गाय क्यों, बोले उत्तम प्राणी है। कुत्ते को क्यों नहीं भाई, क्योंकि वह उत्तम प्राणी नहीं माना गया है, मेरे मानने के बाद नहीं, पहले से नहीं माना गया है, वो अस्पृश्यता है उसके पास, परंतु गाय हमेशा शुद्ध होती है। उत्तम प्राणी कौन है, गाय। मैंने एक दिन कहा ऐसे ही उत्तम वर्णों में कौन है, ब्राह्मण। और ब्राह्मण की मैंने परिभाषा बताई थी, ब्राह्मण जाति से नहीं होता है, ब्राह्मण होता है कर्म से। कर्म क्या है, जो सत्कर्म करता है, वेद पढ़ता है, वेद पढ़ाता है, वह ब्राह्मण होता है। यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, वह ब्राह्मण होता है। दान देता है और लेता है, पहले देना आना चाहिए ना, पर यहाँ सबको लेना आता है। पहले ब्राह्मण ही दान लेता था तो वृंदावन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ किसी को भी दे दो कोई मना नहीं करता है। और तो और भैया, जो ब्राह्मण भोजन में ब्राह्मण बैठते थे, यहाँ पर ठेकेदार चल रहे हैं सभी तीर्थों में, उनको पता लग जाए कि अमुक जगह ब्राह्मण है, खुद पहुंच जाएंगे, आप चिंता न करिए, जितने ब्राह्मण चाहिए हम कर देंगे। और ब्राह्मण नहीं होते वो, कौन होते हैं, ब्राह्मण भोजन में जिनको न जाने, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए सबको कह रहा हूँ, यहाँ नहीं सब जगह के लिए कह रहा हूँ, ब्राह्मण भोजन में उनको ही बुलाना चाहिए जिनको आप जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं उनको कभी ब्राह्मण भोजन में नहीं बैठाना चाहिए। हमारे वृंदावन में तो ठेकेदार घूम रहे हैं, कितने ब्राह्मण चाहिए, वो ले जाकर रिक्शे वालों को, आश्रम वालों को, ग्वालाओं को, गोपियों को, सबको बना के पंडित जी बैठा देते हैं। प्लीज, ऐसा जो यहाँ गलत कार्य कर रहे हैं उनके लिए तृतीय में मान्यता नहीं है। ठेकेदारी बंद करो, किसी भी कार्य क्षेत्र में ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए। पर अब तो ठेका उठ रहा है, टेंडर पास तुम्हारा हुआ है, काम कोई और कर रहा है। धर्म में ठेकेदारी ना करें। फिर लिखा है आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्तः स्याद
भववंदनई एवं कृते विधाने च सर पाप निवारणे। वार वार मैंने आग्रह किया, रोजाना कर रहा हूं। ब्राह्मण बंधुओं, मित्रों, साथियों, आप महात्म की कथा को खुद जरूर पढ़ें। कथा कराने वालों, जजमानों, कराने से पहले भागवत के महात्म के 6 अध्यायों को जरूर पढ़ें। सुनने वाले श्रोताओं, भागवत के महात्म के 6 अध्याय सुनने से पहले खुद जरूर पढ़ें, तब भागवत की ओर आगे बढ़ें, अन्यथा आपको लाभ की जगह आनी होगी। जो करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। फलस्य फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद् भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय। लिखा है किसका? इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करती है तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति कराती है। और भैया इसमें किंचित संदेह नहीं। कुमार बोले, एतेते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतमिच्छसि श्रीमद् भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। सनकादि कहते हैं, नारद इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी है, आओ और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। अगर तुम्हारी भोगिक वस्तुओं की इच्छा है तो आपका वह भी कार्य पूरा हो जाएगा, और मोक्ष की इच्छा है वह भी कार्य पूरा हो जाएगा। धर्म पहला है, धर्म लिखा है, धर्ममय जीवन जीते हुए अर्थ। धर्ममय पर अब क्या है? अधर्ममय जीवन जीते हुए 95% लो अर्थ कमा रहे हैं। इससे धन तो बहुत कमा रहे हो, परंतु सच बताओ, अपने हृदय पर हाथ रख कर के देखो, जो अधर्म से धन कमा रहे हैं, क्या उनको शांति है? क्या उनको चैन मिल रहा है? क्या वो स्वस्थ हैं? क्या परिवार में प्रेम है? क्या समाज में सम्मान है? क्या रात को नींद अच्छी आ रही है? अरे ओ दुनिया वालों, ऐसा धर्म से धन न कमाओ जिसमें रात की नींद चली जाए। ऐसा धन मत कमाओ जिससे आपका सम्मान चला जाए। ऐसा धन मत कमाओ जिससे समाज आपको बुरी नजर से देखे। ऐसा धन मत कमाओ जो अपने आप में ही तुमको सर झुका के जीना पड़े। धन वह कमाओ, ऐसा धन कमाओ जिससे कमाने के बाद तुमको सुकून मिले। भैया सनकादिक बोले, महाराज श्रीमद् भागवत मोक्ष और भोग दोनों को पूरा करती है। धर्म अर्थ काम का अर्थ भोग नहीं होता है बंधु, काम का अर्थ होता है कामनाएं। कामनाएं बोले तो इच्छाएं। धर्म मय जीवन जीते हुए अर्थ, और अर्थ के साथ काम माने कामनाओं की पूर्ति, अर्थात जो भी तुम्हारी चाहत, अगर इस तरीके से आप जीवन जिएंगे तो मोक्ष निश्चित मिलेगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे राधे, 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 बरसाने वाले राधे, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाले राधे, श्री राधे राधे राधे, वृषभान दुलारी राधे, श्री राधे राधे राधे, वृषभान दुलारी राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे
राधे राधे राधे श्री 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 राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे श्री राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे श्री राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 मेरे श्याम प्यारी राधे भक्तों की प्यारी राधे मेरी श्याम प्यारी राधे भक्तों की प्यारी राधे मेरे श्याम प्यारी राधे भक्तों की प्यारी राधे मेरी श्याम प्यारी राधे भक्तों की प्यारी राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 धाम में बसा दे श्री राधे 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 मुझे धाम में बसा दे श्री राधे 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 ब्रज धाम में बसा दे श्री राधे 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 गाइए धाम में बसा दे श्री राधे 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 ब्रज में बसा दे श्री राधे 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 ब्रज में बसा दे श्री राधे 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 वृंदावन बसा दे श्री राधे 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 वृंदावन बसा दे राधे 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 मुझे वृंदावन बसा दे श्री राधे 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 मुझे वृंदावन बसा दे श्री राधे 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 मुझे ब्रज में बसा दे श्री राधे 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 ब्रज में बसा दे श्री राधे 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 मुझे ब्रज में बसा दे श्री राधे 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 ब्रज में बसा दे श्री राधे 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 श्री राधे श्याम इत्युक्त्वाति महात्मानः प्राचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तप्रदायिनी सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं शौनको महामुनि सनकादिकों ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भागवत कथा का प्रवचन किया। श्रण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं यतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टभूः पुरुषोत्तमम्। भैया श्रीमद् भागवत कथा का यह प्रवचन सब प्राणियों को नियम पूर्वक इसे श्रवण करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की है।
तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा तारुण्यम परमं चाभूत सर्वभूत मनोहरम। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बड़ी पुष्टि मिली। वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीव के चित्त में और आकर्षित करने लगे। नारदस्य कृतार्थो भूत सिद्धेषु ये मनोरथे पुलकी कृत सर्वंग परमानंद संभृतः। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ा आनंद हुआ, उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और परमानंद से परिपूर्ण हो गए। कथा वही है जो स्वयं को आनंद करने वाले को भी आनंद दे और कराने वाले को भी आनंद दे और सुनने वाले को भी आनंद दे, उसे ही कथा कहते हैं। क्या है? कथा है कृष्ण की, कथा है भाव की, कथा है ज्ञान की, कथा है कृष्ण की। हो कथा है ज्ञान की, कथा है कृष्ण की, कथा है ज्ञान की, कथा है कथा है ज्ञान की, कथा है कृष्ण की, कथा है भाव की, कथा है प्रेम की, कथा है ज्ञान की, कथा है प्रेम की। हाँ सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो ओ सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। कथा है ज्ञान की, कथा है कृष्ण की, हाँ कथा है ज्ञान की, कथा है कृष्ण की, कथा है भाव की, कथा है प्रेम की, कथा है ज्ञान की, कथा है प्रेम की, हाँ कथा है भक्त की, कथा है मुक्त की, कथा है भक्त की, कथा है मुक्त की। सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। कृष्ण कथा भाव कथा प्रेम कथा 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 कृष्ण कथा प्रेम कथा भाव कथा कृष्ण कथा ज्ञान कथा वैराग्य कथा भागवत है भागवत ज्ञान कथा वैराग्य कथा भागवत है भागवत श्री भागवत ओ श्रीमद् भागवत ओ भागवत श्रीमद् भागवत भाग्य जगावे ज्ञान जगावे भाव जगावे ज्ञान जगावे प्रेम बढ़ावे भाव जगावे प्रेम बढ़ावे ज्ञान जगावे कृष्ण मिलावे कृष्ण कथा कृष्ण मिलावे कृष्ण कथा भागवत श्री भागवत श्री भागवत श्री भागवत श्री भागवत हाँ श्रीमद् भागवत भागवत श्रीमद् भागवत ओ श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत। क्या बात,
एवं कथा समाकर्ण्य नारदो भगवत प्रियः प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलि। आज नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके सारे शरीर में रोमांच होने लगा। देखो आंखों में अश्रु, कंठ अवरुद्ध, रोम रोमांच तब होते हैं जब मेरे गोविंद के लिए प्रेम जागृत होता है। ये निशाने हैं। नारद कह रहे हैं, धन्यो असम्यन ग्रहीतोस्मि भवद भीकारुणा परहि अद्यमे भगवान लवद सर्व पाप हरो हरि। श्री नारद बाबा बोले, मैं धन्य हूँ आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री की हरि की प्राप्ति हो गई। देखो जिनको भागवत की प्राप्ति हो गई, और दुनिया वालों वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हें भागवत प्राप्ति न हो। जिस भागवत प्राप्ति का ही अर्थ है भागवत प्राप्ति। और भागवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है कि लोभ बस हम सुन रहे हैं और लालच बस सुना रहे हैं। पात्र हमारा बहुत छोटा है और कामना बड़ी लेकर घूम रहे हैं। भागवत प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति का साधन है। श्रवण सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधन वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। ए तपोधनो हे मानभावो, श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ बताया। सभी धर्मों का जो श्रेष्ठ है वह श्रीमद् भागवत, क्यों किसके श्रवण से वैकुंठ गौलोक साकेत बिहारी श्री कृष्ण गोविंद की प्राप्ति होती है। बोल गोविंद भगवान की जय। सूत कहते हैं, एवं ब्रुवति वैतन तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन समायातः सुको योगेश्वरस्तदः। सूत जी कहते सोन को वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यो कह ही रहे थे, वहां घूमते घूमते श्री सुखदेव भगवान आ गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। तत्रायययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावशाने निजलाभ पूर्णा प्रेमणा पठन भागवतम सनहि सनहि। कही महाविद्वान, विद्वान नहीं वो महाविद्वान कहते हैं सुखदेव जी 12 वर्ष। वस्तुतः भागवत में श्रीमद् भागवत के महात्म छठवें अध्याय में 78वां श्लोक अर्थात 78वां श्लोक में लिखा है कि व्यासात्म सुखदेव 16 साल के थे। वहां पर कथा व्यास नंदन सुखदेव जी पधारे, 16 वर्ष की आयु है, आत्मलाभ से पूर्ण है, ज्ञान रूपी महासागर संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। भागवत उपासक वही होता है, उठते बैठते सोते जागते केवल एक ही श्लोक निकलता है, बरहा पीनम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विव्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणोर अधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जो भगवान भागवत भगवान के ही आनंद में रमण करते वो परम भागवत सुखदेव। भैया सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए।
जो वास्तव में भगवत प्राप्त है उससे किसी के सम्मान की चाहत, उससे किसी की प्रशंसा की चाहत नहीं, उससे किसी माला की चाहत नहीं, उससे कोई चाहत ही नहीं। परंतु जिनको चाहत होती है वो पहले से अपनी व्यवस्था लगा देते, हम आएंगे तुम पहले खुद खड़े होना, तब लोग खड़े होंगे। हम आएंगे तुम पहले ही ताली बजाना, सब लोग बजाने लग जाएंगे। तुम फूल रखना, फूल डालने लग जा, पहले ही सबको फूल दे देना, सब फूल डालेंगे। जो स्तुति की चाह करते हैं वो भगवत प्राप्त नहीं, वह केवल यश प्राप्त होते हैं। महाराज आज खड़े हो गए, उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। जो सम्मान के पात्र है उसे अपने आप ऊंचा मिलता है, ऊंचा मिल रहा है ना। हाँ, सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनो। जो जिसमें कुछ चाहत नहीं है, डर नहीं, वो कहता मेरी सुनो, सुनाने लगे। उनको पता है क्या मेरी सुनेगी। श्री सुकुवाच निगम सुखदेव ने श्रीमद भागवत के पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य पहले यह श्लोक बोला। जो विद्वान लोग शायद बहुत देर में जाकर के सुखदेव जी का आगमन, यहाँ सुखदेव जी का आगमन तो नारद जी की कथा में हो गया था, परीक्षित जी कथा में तो दूसरी बार हुआ। पहली बार कहाँ हो गया है? नारद बाबा की कथा में, आनंदवन में। कहाँ हो गया है? आनंदवन हरिद्वार में। सभी कथा सुन रहे, आप भी सुनो। यह श्लोक ऐसा है जो इसका नित्य पाठ करता है ना, ध्यान से सुनना है। यह श्लोक जो नित्य पाठ करते हैं उनके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता, भाव ही भाव रहता है। निगम कल्पतरो रगलतम फलम सुखो मुखाद मृत द्रव संयुतम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरयो मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सुखदेव बोले, हे रसको, हे भावुक जनो, यह श्रीमद् भागवत कथा वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। सुखदेव जी रूप सुख के मुख से संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न तो छिलका है न गुठली है, इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। एक और बात, यह कंडीशन अप्लाई। जैसे देखो दो प्रकाश के पिपासु होते हैं, एक तो होता है जैसे आपने पानी की प्याऊ लगाई हुई है, आप बोला भाई साहब बहन जी आओ पानी पी जाओ, ए भाई साहब आइए ना पानी पीजिए, बहन जी पानी पीजिए, बहन जी भाई साहब आ जाते हैं। जिनको प्यास नहीं वो क्या कहते हैं? पहले ये बताओ ये कुएं का पानी है कि नल का है, घड़े का है कि आरओ का है, सरवत वाला है कि रूह अफजा वाला है। उनको प्यास नहीं है ना, टाइम पास करें बुलाया है ना। पर जिसे प्यास लगी होती है दौड़ के आता है, बिना बुलाया आता है, वह पीता ही बनता है, वो पूछता नहीं है। उसी तरह कई लोग होते हैं ना, भागवत कराने वाले, सुनने वाले, करने वाले, वह पिपासु नहीं है। कैसी भागवत आप कराना चाहते हैं? कराने करने वाले पूछते हैं, कराने वाले पूछते हैं क्या बजट लगता है, अर्थात ये दोनों पिपासु नहीं है। जो पिपासु है, जो पिलाना चाहता है, पीना चाहता है, वह पूछता ही नहीं है कैसे पिलाया जाएगा, कैसे पिया जाएगा। वह तो पीता ही बनेगा। और वह कौन होगा? जो निष्काम होगा। जैसे हमने पूर्व की कथा में कहा, यह दास 33 वर्ष से 34वां साल चालू हो चुका है, 34 वर्ष से अनावरत निष्काम भाव से संपूर्ण धरा पर भागवत का निष्काम भाव से वाचन कर रहा है। और आगे भी यही उम्मीद, यही आशा, यही भागवत भगवान से प्रार्थना है कि निष्काम भागवत से कथा करूं। चरणों में रहूं तेरे,
गोपाल यही वर दो। चरणों में रहूं तेरे गोपाल यही वर दो। चरणों में रहूं तेरे गोपाल यही वर दो। कदम मेरे सही राह पे तुम कर दो। डोले जो कदम मेरे सही राह पे तुम कर दो। डोले जो कदम मेरे सही राह पे तुम कर दो। सही राह पे तुम कर दो। ढूले जो कदम मेरे सही राह पे तुम कर दो। ढूले जो कदम मेरे सही राह पे तुम कर दो। मेरे प्रभु इस दास की यही प्रार्थना है, जब तक शरीर में रहूं निष्काम भाव से तेरी लीला का तेरी कथा का गुणगान करूं। अगर मेरे कदम कहीं इधर उधर भटक जाएं तो हे मेरे नाथ मेरे कदम को संभालना रोकना। कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, ताल भंग मत होइए जग में हो हसा। हे मेरे प्रभु आज तक तुमने मेरा साथ दिया, यही मेरी प्रार्थना है, आगे भी तुम मेरे साथ रहना। मेरे कदम कहीं भटक न जाए, भटक न जाए। भैया यहाँ कंडीशन अप्लाई है, भागवत सबके लिए नहीं है। बोले रसिका भाबू का भागवत उनके लिए ही है जो रसिक हैं, जो भावुक। ये प्याऊ का पानी सबके लिए नहीं है, केवल रसिक है भावुक है। बोले कम हो जाएगा। बोले आलयम, क्या बोला है? आलयम पिवत भागवतम रसम आलयम। रस आलय है ये, रसालय। क्या है? रसालय, रस ही रस। और रसालय में प्रवेश रसकों को है, भावुकों को है। जो भावुक नहीं है, जो रसिक नहीं है, उनके लिए भागवत तो कहीं है ही नहीं। ना सुनने के लिए है, ना सुनाने के लिए है, ना कराने के लिए है। जिनको रसिक होना हो, जिनको भावुक होना हो, मैं कह रहा हूँ दुनिया वालों, वही भागवत सुनना, वही कहना और वही कराना। अगर तुम हो भी नहीं, होना भी नहीं चाहते हो, तो भागवत के पास आना भी नहीं। तुम्हें कसम अपनी, ये रसिकों का प्रश्न। कैसी कथा दिखा दी? धर्म प्रोजित के तबोत्र परमो निरमशराणाम शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। क्या बड़ा भाव है। महा मुन वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, इसमें निष्कपट निष्काम परम भक्त धर्म परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुष जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु
का वर्णन है जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे सातवां साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तापत्रयो नमूलनम, तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। तीन तापों के उन्मूलन करने वाली कथा श्रीमद् भागवत है, सामान्य नहीं है। जैसे बर्तन धोने से बर्तन शुद्ध हो जाता है, ऐसे अरे दुनिया वालों इसके सुनने से हृदय शुद्ध हो जाता है। ज्ञान का साबुन है, वैराग रूपी घसने वाला है, और भक्ति का जल है जो तीनों का संसर्ग कर लेता है, उसका मन और तन जीवन निर्मल हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले कहा निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। यह भगवान कह रहे हैं मेरे को न सुंदर तन वाला पाता है, न धन वाला पाता है, न पद वाला पाता है। अरे ओ दुनिया वालों, मुझे तो निर्मल हृदय वाला भक्त पाता है और कोई नहीं पाता। बस वही भैया, ये क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसेकमेवमवलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्त सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपटन् विचारण परो भक्त्या विमुचेन्नरः। यह भागवत पुराणों का तिलक, वैष्णवों का धन, इसमें परमहंसों की प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग और भक्ति सहित निप्रति मार्ग का प्रकाशित किया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति अमृत, अतः पिबंतु सदभाग्या मामा मुंचतु करिचित। अरे भाग्य वालों, यह रस न स्वर्ग में है, न वैकुंठ में है, और न ये ब्रह्मलोक में है। यह रस तो हमारे श्रीधाम वृंदावन सुरभि गोदावरी गौशाला में बरस रहा है। हमारे श्री किशोरी जी के एक संत हुए, उन्होंने एक पद बनाया, जो रस बरस रहो वर्षाने, वो रस तीन लोकों में हुनाए। जो रस बरस रहो वृंदावन, वो रस तीन लोक में हुनाए। जो रस बरस रहो वृंदावन, वो रस तीन लोक में ना, हो बोरस तीन लोक में हुनाए। भैया तीन लोक में हुनाए, जो रस बरस रहो वृंदावन, वो रस तीन लोक में हुनाए। जो रस बरस रहो वृंदावन, गोदावरी गौशाला वृंदावन में है। जो रस केवल बरस रहा है जहाँ भागवत है और कहीं नहीं। अतः श्रोताओ, तुम इसका खूब रसपान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो, क्यों ये फिर मिलने वाली नहीं है। श्री सूत जी महाराज बोले हैं, एवं ब्रुवाणे सते बादरायण मध्य सभायाम हरिरा विराशि प्रहलाद वल्य उद्धव फाल्गुनादिवीर वृत्तः सुरर्षितम पूजयच्छतान दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रे कीर्तनम अग्रतदस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु
तत्रागमत कीर्तनीय दर्शनाय प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चौद्धव कांस्य धारी वीणाधारी सुरर्षी स्वर कुशल तया राग करता अर्जनोहु इंद्रो अवादीन मृदंगम जय जय सुकारा सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सर सर चनाय चनया व्यास पुत्रो बभूव नानर्त मध्ये विक्रमेव तत्र भक्त्यादिकानं नटवत सुतेजसाम अलौकिकं कीर्तन मे तदीक्ष हरे प्रसन्नोपि वचो अब्रवीत मत्तो वरं भावभृता दृणुध्वं प्रीत कथा कीर्तन नतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वैव तद वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्द चित्ता हरमुचरेते नगाह गाता सुचा सर्वभक्तैर अभिस्त्वया भाव्यमिति प्रियत्नात् मनोरथोऽयं परिपूर्णीय तथेत चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। क्या बड़ा सुंदर भाव है। कौन कौन वहां पधारे हैं भैया? सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे उस सभा के बीचों बीच में प्रहलाद बलि उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों से साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए। श्री हरि भगवान की जय। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों को यथोचित पूजा किया है। भगवान को प्रसन्न देकर देवर्षि उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिए हैं। देखो भैया, जहां पर मेरे हरि प्रसन्न हो जाए, जहां पर मेरे श्री हरि प्रसन्न हो जाए, वही तो भाग्य। जहां पर स्वयं मेरे प्रभु आ जाए, वही तो श्रीमद् भागवत है। ब्यार श्री पार्वती जी सहित महादेव जी ब्रह्मा जी भी आ गए। जहां पर स्वयं भगवान आ जाए, भगवान के पार्षद आ जाए, वही तो भागवत है। परंतु आज तो बड़ी विडंबनाएं, भागवत में संतों का आना कम हो गया, भगवान का आना बिल्कुल बंद हो गया। अब तो नेता आ रहे हैं, अभिनेत्री अभिनेत्रियां आ रही हैं। कौन आ रहे? धनी मानी आ रहे हैं। पर यहाँ कौन आ रहे? कथा में उसे कहते हूँ, कहता हूँ, जिसमें संत आए, जिसमें भक्त आए, वैष्णव आए, साधु आए, और वहां पर पार्षदों के सहित मेरे गोविंद आए, वही तो जय हो। पधारे। कीर्तन का आरंभ हुआ है। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे हैं। कहने से है ना, भगवान का भक्त वही होता है जिसे जो आता वो काम में जुट जाए। भगवान की कथा में जाने की एक कंडीशन और है, जो तुमको कार्य आता हो वह कार्य वहां करो। प्रहलाद जी थोड़ा फुर्तीले हैं, गए करताल बजाए। उद्धव जी झांझे उठा ली, वो झांझ बजा रहे हैं, और देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग व्यंडला बने हैं ना। महाभारत में जो राग का जो ज्ञान है वो कौन है, समझ गए ना? हाँ, आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना, इंद्र को मृदंग बजाना बहुत अच्छा आता है, मृदंग बजा रहे हैं। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे, श्री राधे श्री हरि। इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह के सरल अंग भंग की भाव बताने लगे हैं। इस सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग नटों के समान नाचने लगे हैं। भक्ति और ज्ञान वैराग्य नाचते हैं, वह कथा है। पर पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचते थे, भांड नाचते हैं। कितना अंतर आया कथाओं में देखो। पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं, आओ भांड नाच रहे हैं। मैं कहूंगा भागवत में भक्त ही नाचे तो अच्छा है। आज भगवान प्रसन्न हो गए, इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से समय मुझे अपने वश में कर लिया है। कथा वही है जिसमें भगवान वश में हो जाए, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए और प्रेमार्ध चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान मिलेंगे नहीं पहले तो भैया,
ये पीड़ा है, पहले तो मिलेंगे नहीं, मिलाने की अगर क्षमता है तो मेरी श्रीमद् भागवत में ये मिल रहे हैं। देखो आप भाव बनाइए, आप ही मिल रहे और भगवान मिल जाएं तो संसार की वस्तु नहीं मांगना, क्या मांगना? हे मेरे प्रभु, हमारी यही अभिलाषा है कि भविष्य में भी क्या मांगा है, देखो संतों ने भक्तों ने, प्रभु हमारी यही अभिलाषा है जहां जहां भी भागवत की कथा भक्त वैष्णव जन करें, हे प्रभु आप वहां पधारना, हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, बस यही चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु कहकर प्रभु मेरे अंतर ध्यान हो गए, चरणों में रहूं तेरे। भगवान से क्या कहना है? गोपाल यही वर दो, डोले जो कदम मेरे, सही राह पे तुम कर दो। डोले जो कदम मेरे, सही राह पे तुम कर दो। भगवान से केवल यही मांगा, आज मेरे गोविंद तथास्तु के भगवान मिलने, मैं सबको कहूंगा मेरे ठाकुर सभी वैष्णवों पर, संतों पर, भक्तों पर, महापुरुषों पर कृपा करना। और हे प्रभु, जैसा आपने वरदान दिया है, जहां साध संत वैष्णव आपको बुलाए, मेरे नाथ आप जरूर पुकार पधारना। आओ आओ आगे की शेष महात्म की कथा। यह भगवान अभी आ गए हैं, और भगवान आ गए हैं तो अभी भगवान चले गए हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान के भाव को समझना है तो आपको कल और भागवत के महात्म को सुनना ही होगा। पूरा 31 दिन हो जाएंगे, कल 38 दिन हो रहे, अभी आप जरा समझिए 31 दिन में महात्म की कथा हुई है तो कथा कितने दिनों में होने वाली है। तो आप सब लोग पूर्व के जो हमारे प्रसंग हैं, एक से लेकर पूरे 30 तक, आप लोग यूट्यूब पर जाकर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और पूरे 30 दिन की कथा को आप 30 घंटे हो चुकी है, आप नियम से सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भागवत है क्या, भागवत किसे कहते हैं, भागवत क्यों सुनना चाहिए, भागवत क्यों पढ़ना चाहिए, भागवत क्यों कराना चाहिए, और इससे क्या मिला है। भागवत से मिलते हैं भगवान, इसीलिए सुनना चाहिए पूरी कथा को। और आप सब लोग यथास्थान रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। गौ माता आप सबका कल्याण करें, गुरुदेव कल्याण करें, इसी मेरे गोविंद से मंगल कामना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे जरा तुम सोचो विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। प्यारे जरा तुम सोचो विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाए सदा संग यही तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जाए सदा संग यही तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।